नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बड़ी उल्लास के साथ मनाया गया विदाई समारोह मामला सुपौल जिला पिपरा ब्लॉक का है। मनोज कुमार अकाउंटेंट इंदिरा आवास की विदाई समारोह मनाया गया, जहां पिपरा ब्लॉक के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर फूल मालाएं पहनाकर विदाई किया। विदाई में मौजूद रहे रणधीर कुमार ने बताया, हमारे इंदिरा आवास अकाउंटेंट का विदाई हुआ है, जिसका नया पोस्टिंग सुपौल जिला के छातापुर ब्लॉक में हुआ है। समारोह में शामिल हुए अमित कुमार, मोहम्मद जावेद, अनमोल कुमार यादव आदि लोग उपस्थित थे। क्या चीज का मीटिंग रखा गया था यहाँ पे? आज ब्लॉक अकाउंटेंट प्रधानमंत्री आवास योजना मनोज जी का विदाई समारोह के अवसर पर इस तरह का जो है ना फेयरवेल पार्टी का जो है ना आयोजन किया गया। कहाँ पर इसका विदाई किया गया है? उनका छातापुर ब्लॉक में स्थानांतरण हुआ है और कल हम लोग इनका जो है ना पूरी भव्य तरीके से छातापुर में भी योगदान के लिए हम अपने से जाएंगे और सारे लोगों के साथ जो है ना इनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करें। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर कुमार, आवास सहायक पिपरा ब्लॉक। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट पिपरा ब्लॉक से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पूसा समस्तीपुर बिहार के द्वारा आज दिनांक 30 जून 2021 को ग्राम सोमनाहा प्रखंड कल्याणपुर जिला समस्तीपुर बिहार के संस्थान संचालित अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों को धान एवं बाजरा की उन्नत प्रजातियों की गुणवत्ता बीजों को निःशुल्क में वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह ने 100 अनुसूचित जाति के कृषक को बीज वितरित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। R9 भारत के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट समस्तीपुर से। भागलपुर से भाजपा के कदावर नेता तिलका मांझी थाना क्षेत्र नवाबबाग कॉलोनी के गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव को MCC उग्रवादी द्वारा फोन पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई। वहीं एक हफ्ते के अंदर रुपए नहीं देने पर घर पर चढ़कर गोली से उड़ा देने की धमकी दिया गया है। धमकी के बाद भाजपा नेता बंटी यादव ने SSP से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। MCC द्वारा इस तरह की भागलपुर में पहली बार धमकी भरा फोन से पुलिस प्रशासन जैसे जहां चौकन्ना है, वहीं प्रशासन की नींद उड़ गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल आदि जन उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बेतिया कचहरी चौक से जुलूस निकालकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। भाकपा माले नेताओं ने जन विरोधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उसका पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया। मौके पर भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाकर बुरे दौर से भी बदतर स्थिति में देश की जनता को धकेलने वाली मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल है। एक तरफ कोरोना महामारी जैसी बीमारियों ने लोगों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह चौपट कर दिया है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की नाकामियों से बढ़ती कमर तोड़ महंगाई ने लोगों को जनजीवन को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई के प्रति संवेदनहीन है। इसकी सत्ता में रहते महंगाई कम होने की बात करना बेईमानी होगी। मोदी सरकार को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मौके पर बेरिया प्रखंड के माले नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी राज गरीबों को लूटने की सरकार बन गई है। इनके राज में गरीबों की गरीबी बढ़ी है, अमीर और अमीर हुए हैं। माले नेता मुख्तियार ने कहा, मोदी राज को जब तक उखाड़ फेंका नहीं जाएगा आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। उक्त अवसर पर बेरिया के माले नेता हारुद्दीन गद्दी, जोकू चौधरी, ठाकुर शाह, अखिलेश प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, तपसी शर्मा, सुरेंद्र शाह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। R9 भारत के लिए मखन कुमार की रिपोर्ट नौतान विधानसभा से। भागलपुर निजी शिक्षण कोचिंग संस्थान के शिक्षकों द्वारा सड़क पर भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना काल में 1.5 साल से कोचिंग संस्थानों के बंद रहने के कारण निजी शिक्षक लगातार कोचिंग संस्थान खुलवाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया। शिक्षकों का कहना है कि कोचिंग संस्थान बंद रहने से सभी प्राइवेट स्कूल रिपीट प्राइवेट शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, जबकि आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना काल के लॉकडाउन के समय से ही हम लोगों का बिजली बिल और रूम किराया लग रहा है। किसी भी योजना का लाभ सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर हम लोग भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार से मांग है कि 6 तारीख को कोचिंग संस्थान को खोलने के निर्देश दिए जाएं। वहीं PTA के पैट्रोन शिक्षक RK झा ने कहा कि हम लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है, अब सड़क पर उतरकर भीख मांगने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। लोगों की मांग है, जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि सरकार विगत पिछले सालों से
हम लोगों के कोचिंग संस्थान पर ब्रेक लगाया हुआ है, वो स्कूल वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, कॉलेज वाले टीचर को पेमेंट कर ही रहा है, लेकिन अच्छे खासे हम लोग चेक्स भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग आखिर क्या करें, कोई चारा है नहीं, कोई कहीं से पेमेंट नहीं है हम लोगों को। आप लोग भी जानते हैं रूम भाड़ा लग रहा है और बिजली बिल लग रही है, ना तो बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं, रूम भाड़ा माफ़ कर रहा है, ना तो कोई सबको योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन कोई योजना का लाभ नहीं दे रहा है। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से एक अनुरोध करते हैं शिक्षाजन के माध्यम से कि आप मेरी मांगों को माने और इस 6 तारीख के अनलॉक में कुछ न कुछ मेरे लिए भी प्रावधान करें, और नहीं अगर प्रावधान नहीं होता है तो सरकार से एक और मांग है कि आप मुझे मुआवजा के तौर पर 5 लाख रुपया किसी बैंक से 0% इंटरेस्ट पर हमको दिलवा दें, ताकि हम सब व्यवस्था करें और मेरे स्टाफ जो हैं वो भी मेरे ऊपर आश्रित हैं, हम उन लोगों को भी कुछ न कुछ दें, नहीं तो ऐसी हस्ती आ गई कि मुझे मरने की हस्ती में है सर। पर्चे बताइए आपको, डॉक्टर अमरिंदर कुमार अध्यक्ष पीटीए। R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।